गुरु सत कब नल के गुरु सत कब नल के नैन बैन गुरबिन घोर अंधार गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना सूरत नासद अपन कट सब तेरे जिन गुरु ना देखे ओ नैन कियो जिन गुरु ना जिन गुरु ना देखियो
देखो गुरु न देखो गुरु न देखो ना कियो देखो कियो ते अखे अथ संसार में ते अखे अथ संसार में सहज कर पाया
लाल जवे हर परे पंडार टोट नया वे जप निरंकार। लाल जवे हर परे पंडार टोट नया वे जप निरंकार। अमृत शब्द पीवे जन को नानक ताके परम गत होए। अमृत शब्द पीवे जन को नानक ताके परम गत होए। करन करा छड़िया जी चल चढ़िया कृपा चंद छड़िया।
ऐसे चंद ने मेरे सतगुरु जिस चंद दे चढ़न दे नाल पाशा जी कह रहे ने भी जितना भी अज्ञानता दा अंधेरा सी वह सारा चलिया गया। गुरप्रसाद सहज घर पाया वाहिगुरु जी की कृपा दे नाल सहज अवस्था विच मेरा दाखला मेरा प्रवेश होया ते मिटिया अंधेरा। सहज अवस्था विच किवें आया जो अज्ञानता दा अंधेरा सी दैट डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इट हैज बीन लिफ्टेड एंड सच एन इल्यूमिनेटेड मून नाउ शाइन्स इन द नाइट स्काई। धन गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल प्रकाश पुरब आप सब संगतां मना रही हूं। वख वख प्रचारकों ने कीर्तनिया ने आप जी ने गुरु शब्द नाल जोड़िया। सतसंग जी बहुता समा नहीं लियांगा, बस एक गल गुरु तेग बहादुर जी की साडे हिरदे विच वस जावे ते मेरा रिश्ता गुरु तेग बहादुर जी नाल बन जावे। आखो सतनाम। औरंगजेब दे समय एक बार औरंगजेब ने विचार कीती, कहिंदा है भी जितने छोटे छोटे इलाके ने हिंदुस्तान विच ए सारे मैं कब्जे विच लै ले ते एक असाम दा जिहड़ा नगर है ए मेरे वास विच नहीं आया। महाराज जी उस वेले पटना साहिब दी धरती ने धन गुरु तेग बहादुर सतगुरु ते औरंगजेब विचारदा है कि जिहड़ा असाम दा इलाका है जे ए भी मेरे वस विच आ जावे मेरे राज भाग दे थल्ले आ जावे तो कितना वधिया होवेगा। जो काम मेरे तो वडेरे नहीं कर सके शाहजहां वर्गे उन्हां कोलों ये कारा नहीं होया ते सोच रहे ने भी चलो मेरे हुकूमत विच असाम दी धरती जो है इलाका है ये मैं वास कर लिया। हुण औरंगजेब ने की कीता, सारे जितने भी अपने जनरैल सन वो बुला करके एक मीटिंग कराई ते उस वेले पुछना कीता कोई है तुहाडे विचों सूरमा जो ये कारा कर सके। हुण सारे बहादुर बहुत सन साध संगत जी पर असाम की धरती ते जान नूं डरदे सन क्योंकि उत्थे काला जादू बहुत ज़्यादा। आखो सतनाम। अज भी अगर आप जी हिंदुस्तान जावो असाम दे इलाके ते जावो ते उत्थे बहुत मशहूर है जिथे मंत्र जंतर टूने आदिक बहुत चलते ने पुरातन समय तो लै करके ते इन्हां मुगलां नूं भी पता सी ते तां करके जदों भी उस इलाके ते कोई हमला करदा सी ते उन्हां ने काले इलम वरत करके जादू टूने आदिक ते आपनी फतेह करा लैण। नो वन कुड विन ओवर असाम बिकॉज द किंगडम ऑफ असाम वॉज स्टीप्ड सो मच इन ब्लैक मैजिक एंड सॉसरी विद ऑल काइंड्स ऑफ ईवल मैजिक रिचुअल्स एंड वट नॉट that all the kings before Aurangzeb they failed to capture the region of Assam and now he calls for a meeting hoping that maybe one of his men
will have enough courage to go up and fight the people of Assam and capture it. Masal sangat ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜਨਰੈਲ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਿਸ਼ਨ ਰਾਏ। ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਰਾਏ ਖੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਆ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਲੀ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਰਾਏ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਇਲਮ, ਜਾਦੂ, ਟੂਣਾ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਇਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਰਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਜੇ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਾਓ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਰਾਏ ਮੰਨ ਗਏ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਵੈਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਿਯੋਸ ਰਿਸਾਈਡ, ਵੈਰ ਕੈਨ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਹਿਮ। ਐਂਡ ਦ ਵਾਈਫ ਟੈਲਸ ਹਿਮ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਿਹਾਰ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਗੋ ਦੈਰ, ਮੀਟ ਹਿਮ, ਗੈਟ ਹਿਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੋ ਫੋਰ ਯੋਰ ਵਾਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈ ਐਂਡ ਕੈਪਚਰ ਅਸਾਮ, ਦ ਲੈਂਡ ਆਫ ਸੋਸਰੀ, ਦ ਲੈਂਡ ਆਫ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਵਿਚ ਨੋ ਵਨ ਐਵਰ ਵੌਨ ਬਿਫੋਰ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਰਾਏ ਨੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸਫ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋ, ਬਲੈਸ ਮੀ ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਮੇ ਵਿਨ ਇਨ ਦਾ ਵਾਰ ਟੂ ਕੈਪਚਰ ਅਸਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦੀ ਆਲ ਨੋਇੰਗ ਗੁਰੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਖੜ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਹਾਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਸ਼ਨ ਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੈਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਲੀਵਸ ਹਿਸ ਹੈਵੀਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਾਈਫ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੈਕ ਇਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਬੈਕ ਇਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਅਸਾਮ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਸ ਇਨ ਅਸਾਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਡਿਲੀਵਰਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
असाम गए राजा बिशन राय की सहायता कर। हुण जिस वेले साध संगत जी गुरु तेग बहादुर जी हुण राजा बिशन राय उसके फौजियों नाल पहुंचे ना वैन दी रीच असाम, असाम का जिहड़ा राजा सी द किंग ऑफ असाम राम राय, राजा राम राय ने की देखिया कि अपने इतने बंदे लै करके आ गया। He is going to attack me. And what he does is, Sadh Sangat Ji, before he even asks his men to go out and fight, he unleashes all his black magic abilities onto the battalion that was brought forth by Raja Bishan Rai. Hun kale mantar, jantar, aadak di varton karke te Raja Bishan Rai di fauj wal usne war kita. वार जदों कीता साध संगत जी एक भी चीज नहीं चली, नन ऑफ हिज मैथड्स वर्क्ड। एंड देन नाउ ही ट्राइज द सेकंड थिंग, हुण दूजा यतन कीता। राम राय राजा एक धोबन हुई उत्थे साध संगत जी उस असाम दे इलाके विच धोबी जिहड़े कपड़े धोंदे आ, औरत धोबन जिसका नां सी नित्या। ए जिहड़ी औरत सी इस दे कोल शक्तियां आदक बहुत सी, निथाई नूं इसने कारज ते ला दिता कि जा करके ते उन्हां नूं उन्हां दे उत्ते वार करके, गो एंड अटैक दैट मैन सो दैट दे पैरिश बिफोर दे इवन अटैम्प्ट टू अटैक अस, बिफोर दे इवन कम फिनिश देम ऑफ। हुण गुरु प्यारिओ इतिहासकार लिखदे ने निथाई जिहड़ी औरत सी ना धोबण, इहदा नां याद रखिओ, इस दे पिछे गुरुद्वारा साहब बनिया जी, आखो सतनाम। निताई जिहड़ी सी इतिहासकार लिखते ने इस कोल इतनियां शक्तियां सी, शी वाज सो प्राउड ऑफ हर मैजिकल पावर्स दैट शी डिसाइडेड नॉट टू वॉक एंड गो टू गुरु तेग बहादुर जी। वो कलमा नाल इलमा नाल पता नहीं किवें गुरु साहब कोल गई। एंड व्हेन शी गोज टू गुरु तेग बहादुर जी without using her hands, using her abilities, she lifts up heavy rocks and she throws them towards Guru Tegh Bahadur ji. Hun patthar chak chak ke Guru Tegh Bahadur ji wal maardi hai. Te mere tan Guru Tegh Bahadur bandagi de swaroop nimrata di poonj, Maharaj ji da shant sabha, Guru Tegh Bahadur ji baithe ne adol, ek ek patthar aan aan ke te pashan ho jave jive gari koi thal laga hoya. Aakho satnaam. These stones that were thrown by Nithai, they are still there in Assam up till today. Agar aap ji us gurdwara sahib jao jithe is aurat ne Guru Tegh Bahadur ji de utte attack kita, us jagah de utte ek gurdwara shashobit hai jis da naam hai Gurdwara Dhobri Sahib. E patthar jehde ne jo is sit sit ke Maharaj wal maar rahi hai, e ajj tak utthe maujood ne. ते इतिहासकार लिखते ने जदों ढोबन आई सी महाराज कोल ते थले नहीं खलोती, महाराज कोलों उच्चा होना चाहती सी, ए दरख्त ते जा करके खलोती। आखो सतनाम। ते वो दरख्त भी हाले तक मौजूद है जी जिथे इसने खड़ के ते महाराज अगे वार किते। शी ट्राइज टू स्टैंड ऑन अ हाई ट्री एंड शी ट्राइज एंड अटैक्स गुरु तेग बहादुर सतगुरु। ते जिस वेले साध संगत जी उहदा कोई भी वार चलिया नहीं, ते मेरे धन गुरु तेग बहादुर जी ने एक बार उस ढोबन वाल अपनी अमृतमाई निगाह मार के ते महाराज ने पुछना कीता, बेटी धीए तू आ की कर रही। साध संगत जी जिस औरत ने सारी जिंदगी पाप विच बिताई, उसने जदों पहली बार अज सुनिया कोई मैनू धी कह के पुकार रहा, उस वेले उसका हिरदा जिहड़ा सी बिगल हो के ते उन्हें आण के ते सतगुरु जी दे अगे अपना सीस चुकाया। She changed just by Guru Tegh Bahadur ji calling her daughter. Saath Sangat ji, ye boli vich na bahut shakti hai. Mith bolada ji, har sajjan swami. This same piece of tongue, if you use it to speak sweetly, everyone has a positive effect around you. But if you use it in a bad way, Saath Sangat ji, then it does unspeakable damage. It breaks relationships for lifetimes. The small piece of meat that is in our mouth,
इस छोटे जे मास दे टुकड़े कारण साध संगत जी जीवन भर दे रिश्ते टुट जांदे ने। ईरखा वैर विरोध बंदे दे जीवन विच चट आ जांदे ने, क्यों? इसका इस्तेमाल गलत। ते देखो मेरे गुरु तेग बहादुर जी ने एक बार हिरदे तो पुकारिया, धीए ओ मेरी बेटी तू की कर रही है? ते उस बेटी दा उस धोबण दा जीवन बदल गया। आखो सतनाम, प्यार दी शक्ति, द पावर ऑफ लव, द पावर ऑफ स्पीकिंग स्वीटली, द पावर ऑफ नॉट बींग जजमेंटल टुवर्ड्स एनीवन हु मे इवन हैव द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ सिंस। हुण गुरु तेग बहादुर जी दे चरणां दे विच ढह गई धोबण, ते राम राय जिहड़ा राजा सी असाम दा, ही गैट्स रियली एंग्री पी मेरे दो वार टू ऑफ माई अटैक्स एक काम नहीं कीते। एंड दैन He tries the third attempt, Sadh Sangat Ji. What he does, Guru Teg Bahadur Ji, Raja Bishan Rai, te jitni bhi odi fauj si na, ek nadi de kande si. They were next to a river. And Ram Rai uses his powers. He summons up that river to rise and drown all these men. So unne jatan kita, नदी का जरा दरिया का जरा पानी है, जल है, ये उछाल के ते जितने भी बंदे आदक ने ये सारे डुब जान। साध संगत जी उधरों वो वार करना शुरू कर रहा है, इतने मेरे गुरु तेग बहादुर जी घट घट के अंतर की जानत, महाराज सब कुछ जानते ने धन गुरु तेग बहादुर, ते कहन लगे राजा बिशन राय नो तू तेरे जितने भी बंदे हैं ना सारिया बंदियां नूं कहो ये जगह छड़ के हुण पहाड़ी वाल चले जाना। खो सतनाम। ते जदों महाराज ने यह बचन किए, गुरु तेग बहादुर जी टेल्स राजा बिशन राय, टेल ऑल योर मैन रिट्रीट फ्रॉम दिस रिवर बैंक एंड गो अप ऑन द हिल, गो ऑन हायर ग्राउंड। ते गुरु प्यारे हो 90% ऑफ दैम लेफ्ट, बट देयर वर 10% लाइक मी हु वाज स्टबर्न। कहन लगे पता नहीं की कौन वड्डा पीर आया बाबा कहो जे बचन कर रहे, हाउ डज ही नो, इनू की पता। आपा कह दिंदे ना आखो सतनाम, सानू कोई गुरु की गल दसण आवे आपा की करदे आ साध संगत जी? सिर नवा के सत बचन कहंदे आ, जां उत्थे फिर मत चलदी है कि मैनू इहदे नालों ज्यादा पता। सीस निवाइए क्या थी जां हृदय कसुदे जाए। महाराज कहंदे आसा दी वार दी बाणी विच सीस ने, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाउइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ गुरु साहिब व्हेन द हार्ट इनसाइड इज मलाइन बाय ऑल द ईवल वॉइसिस। जे तेरे अंदर शुदाई नहीं है, को शुद्ध, शुद्ध दे अखर दे गारी कक्के नूं औंकड़ लाया पाशाह ने, को शुद्ध, शुद्ध दा उल्ट पाशाह जी कह रहे ने, जे अंदर तेरे गंदगी है ते इत्थे आण के भावे तू 100 मत्थे टेक ला, गुरु चाहुंदा है कि तू तेरे अंदर दी गंदगी नू कढ। आखो सतनाम। भरिए मत पापा कै संग ओ धोपै नावै कै रंग। हुण गुरु तेग बहादुर जी दे बचन सुन के 90% बंदे भज गए। मेरे वर्गे जिहड़े 10% सी समझदे भी डॉक्टर आ बहुत हुशियार आ, मेरे वर्गा कोई हुशियार नहीं जी। साध संगत जी जदों ओ नदी उछली ते जिन्ने आ 10% सी सारे डुब करके चले गए। आखो सतनाम। हुण जिथे गुरु तेग बहादुर जी है सारे बंदे लैके गए पहाड़ी दे उत्ते, उत्थे भी एक गुरद्वारा साहब है, गुरद्वारा बंगला साहब। आखो सतनाम। निशानी है जी भी गुरु ने सिखां दी राखी किवें कीती। जिन्हां ने गुरु दा बचन मन लिया उन्हां दी राखी मेरे गुरु साहब ने कर ली, ते जिन्हां ने बचन नहीं जे मनिया उह पाणी विच रुड़ गए। दो मिनट साखी तो मैं परे जावा। साध संगत जी इसे तरह एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक पत्थर लिया जी हाथ विच, धन गुरु गोबिंद सिंह जी कैरीज अ स्टोन इन हिज हैंड। गोदावरी नदी के कंडे सतगुरु जी गए, तो महाराज जी ने पत्थर अपने हाथों तो सिट दिता नदी के विच। आ ध्यान नाल सुनियो, गुरु गोबिंद सिंह जी हैज अ स्टोन अ रॉक इन हिज हैंड। गोदावरी नदी के कंडे ऑल दिस गुरसिक्स आर विथ हिम। महाराज ने ना पत्थर इदा सिट दिता, ते सिंघां नूं पुछदे ने, गुरु साहिब आस्क्स द संगत, आस्क्स द सिंघस अराउंड दम, पंज प्यारे आदक सारे सिंघ हैगे उत्थे उस वेले,
दो प्यारे तीन शहीद हो गए सन। महाराज जी ने पुछना कीती, दसो सिंगो आ पत्थर डुबिया क्यों? आखो सतनाम। कैन एनी वन टेल मी वाई डिड दिस स्टोन, वाई डिड इट ड्राउन? आ सोचण दी गल है। हुण एक एक करके सिंह जिहड़े सी ओह कहण लगे, यू नो दोज दैट वर एजुकेटेड लाइक मी, दे वर लाइक ओ यू नो द मास ऑफ अ स्टोन इट इज डेंसर देन द वाटर। हुण कहण लगे जी फिजिक्स कह के ते कैलकुलेट करके ते जी गुरु जी तुहानू नहीं पता महाराज पत्थर आ इहदा मास ज्यादा आ इहदा वजन ज्यादा आ इह तां अवश्य डुब्बेगा जल विच। दो बंदे की पढ़ाई दो डिग्रियां पा ले ते इत्थे आण के आपां गुरु नूं सिखाउंदे आ को सतनाम। साध संगत जी कईयों ने जवाब दिते, 99% 99% ऑफ आंसर्स वर लाइक माइन, ओ गुरु कज देयर इज ग्रेविटी। आखो सतनाम। देखो गुरु नूं नहीं पता जी ग्रेविटी हैगी। कहन लगे गुरु तुहानू पता नहीं ग्रेविटी है जी, तां करके नदी च डुब गया। कईयों ने पत्थर दे वजन की गल की, पत्थर भारा है जी, वो पानी हल्का है, पत्थर डुबेगा। साध संगत जी गुरु ने ना एक एक नूं पुछया, आखिर करके निगाह भाई नंद लाल जी ते गई। भाई नंद लाल पता की कर रहे, हजूरिया लिसन टू दिस, हजूरिया लै करके हाथ इदा किते साध संगत जी ते रो रहे, अखां बंद करके रो रहे। ही स्टैंडिंग विथ हिज हैंड्स फोल्डेड विद दिस पीस ऑफ क्लॉथ अराउंड हिज नैक एंड हिज टीयर्स आर फॉलिंग ऑन दिस हजूरिया। ते गुरु ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज पुछन लगे, नंद लाल तू दस पत्थर क्यों डुबिया? साध संगत जी ध्यान नाल उन्हां दा जवाब सुन, जिन प्रेम कियो, उच्ची बोलो, जिन प्रेम कियो दोस दैट लव्ड। साध संगत जी जदों महाराज ने भाई नंद लाल वल निगाह कीती, गुरु गोबिंद सिंह दसमेश पिता भाई नंद लाल वल देख रहे, तो पता की कहन लगे भाई नंद लाल रोंदिया होया गुरु गोबिंद सिंह नूं हाथ जोड़ के कहन लगे, हे दीन दुनिया दे मालक, ये पत्थर तां करके डुब्या क्योंकि तुहाडे हाथां तों ये छुट गया। आखो सतनाम। दिस पीस ऑफ रॉक, दिस स्टोन, इट वॉज सेफ वाइल इट स्टेड इन योर हैंड गुरु साहिब, बट वंस इट लेफ्ट द कन्फाइंस ऑफ योर हैंड इट ड्राउंड। सासंग इतनी डूंगी गल भाई नंद लाल जी कह गए, अज दा सिख इस नूं पढ़ के ते नमस्कारा ना करे तां हैरानी दी गल है। जो गुरु दे बचना विच जीवन बतीत करदा है ओह तरेगा, ते जे गुरु दे बचना तों असी वी साध संगत जी साडा जीवन छडा के ते असी गुरु दे बचना तों ओले हो गए, ते जिवें वो पत्थर गुरु के हाथों तो निकल के ते डुब गया, इवें असी भी कल युग में डुबांगे ते अवश्य ही डुबांगे। देखो गुरु साहिब जी की सिखी, भाई नंद लाल वर्गियां गुरसिखां दा हिरदा। साध संगत गुरु वाल देखना ये दो अखां नाल नहीं, प्यार दा एक जिवें आप जी इंस्टाग्राम ते फिल्टर लाउंदे आ ना कि मैं सब तो सोहनी लगा सोहना लगा, I have to look fair, I have to look glowing, my cheeks should be red. Saad Sangat Ji, in the Gurdwara, there's a filter as well. Itthe vi ek filter lagda ji, pyar da filter. Jadon itthe aan ke matha tekde te udon darwaje to vardeyan filter samne la lena pi main kise kitab de darshan layi main dassan guruan di जोत जो है प्रतख गुरु नानक देव जी तो लै करके गुरु गोबिंद सिंह जी सामने खड़े ने, मैं उन्हां कोल जा करके मत्था टेक रहा। आखो सतनाम। जे इदां दी भावना होवेगी तो इत्थे शरदा भिज के मत्था असीं टेका। तीजा अटैक हुण कीता, नदी उछली, जेरे भाई नंद लाल वर्गे नहीं सन साध संगत मेरे वर्गे वह डुब गए नदी विच। जिन्हां ने गुरु का बचन गुरु तेग बहादुर जी का बचन मनिया, सतगुरु जी बचा के तो उन्होंने पहाड़ी तक लैके चले। नीचे ऊच करे मेरा गोबिंद, नीचिया तो सतगुरु जी ऊंचाई तक लैके तो उन्होंने दिया जाना बचा दतिया। हुण अखीरला अटैक होया, द फोर्थ फाइनल अटैक, राजा राम राय जिहड़ा सी ओ की करदा है साध संगत जी, एक पूजा कर करके एक देवी नूं बुलाया। आखो सतनाम। He calls upon a goddess. Devi nu sadya.
मंत्र तंत्र पूजा करके और जो देवी प्रगट हुई साध संगत जी उन्होंने कहन लगा मैं तीन वार किते पर गुरु तेग बहादुर जी दे अगे एक भी ना चलिया। How is it possible that all my sorcery, whatever tricks, whatever gifts, whatever abilities that I have over the years, none of it are working against this Bishanarai? ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ, ਐਂਡ ਆਲ ਯੋਰ ਟ੍ਰਿਕਸ, ਆਲ ਯੋਰ ਸੋਸਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਰਾਏ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਆਫ ਦਾ ਟਰੂ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ, ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਫਰੋਮ ਹੂ ਆਈ ਗੈਟ ਗਿਫਟਸ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ? ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਝੁੱਕ ਜਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ, ਈਵਨ ਦ ਗੋਡੈਸ ਇਜ਼ ਅਨਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਮੀਟ ਦਿਸ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਸਨ। ਹੀ ਗੋਸ ਅਪ ਦੈਟ ਹਿੱਲ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਮੰਤਰਸ ਯੂ ਹੈਵ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਜਪੋ ਭਾਈ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ KL ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਥੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ LRT 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੀ, ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ, ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਇੰਟ੍ਰੀਗਡ ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਕ੍ਰਾਈਂਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? And this is a true story that she told us. Kehne lagi, aaj main hamesha di tarah job mera khatam hoya, shaam de 5:30-6 baje LRT te chadi, oda station jehra si last si te bahut sohni sundar si, te saath sangat ji kehne lagi oda routine hai na ਟਿੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ੀ ਡਸ ਵਾਰ ਆਫ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ। ਅੱਜ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਇਵੇਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, 1-2 ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਦਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਇਟ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੂਟੀਨ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
So you don't have entertainment in the train. ते वो बैठ के ते नाम जपी जांदी ते इन्ने नू साध संगत जी एक पाची कह लिए मरासी बंदा मिडल एज्ड जदों अखीरला स्टेशन आया थोड़ी जी दूरी ते भैन जी खड़े होके ते वो ट्रेन दा जेड़ा दरवाजा उते खड़ी होगी पे मैं उतरना है ते वो बंदा इहदे पिछे आया ते इहनू कहन लगा सॉरी मैं तुहानू कुछ पुछना रैंडम स्ट्रेंजर आउट ऑफ द ब्लू ते शी गॉट अ बिट वरीड बी यू नो शी इज अलोन फीमेल ते कोई बंदा आने के पता नहीं की पुछण लगा ते थोड़ी डर गई ते कहन लगी पता नहीं इहनू की चाहिदा एंड ही स्पीक्स टू हर ते कहन लगी मलाई विच पुछदा तुसी पढ़ की रहे व्हाट आर यू रीडिंग व्हाट आर यू रिसाइटिंग अंडर योर ब्रेथ ते वो जड़ी भैन जी सी शी फेल्ट वियर भी इनू किदा पता लगा मैं कोई कोई पाठ का वो केड़ा पी एको ओंकार उच्ची कर रही हो शी जस्ट डूइंग इट इनसाइड किसी नू पता नहीं लग सकता ते वो हैरान हो के कहन लगी भी तुसी क्यों मैनू ये सवाल पूछ रहे वो बंदा कहन लगा जदों मैं ट्रेन विच वड़िया ते मैं तेनू देखिया ना मैं अपनिया कलमा इस्तेमाल कीतिया पी तू मेरे वस विच आ जाए आखो सतनाम आई ट्राई टू रिसाइट सम मंत्र बिकॉज़ आई वाज़ सो अट्रैक्टेड बाय योर ब्यूटी एंड आई वांटेड यू टू फॉल प्रे टू मी ये गल्ला होंदिया जी साध संगत मनो जा ना मनो पर यह गल्ला होंदिया गुरु साहब का इतिहास गुरुद्वारे बने ने उत्थे जिथे ये काला इलम सारा कुछ होया जी कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज महाराज जी तो कहते हैं भी भूत प्रेत सारिया चीजा है रज के गुरु ग्रंथ साहब लिखिया ने ते हुण वो कहन लगा फॉर द लास्ट 15-20 minutes आई एम स्वैटिंग बिकॉज आई एम रिसाइटिंग ऑल द थिंग्स दैट आई नो जस्ट टू गैट यू टू बी अंडर माई कंट्रोल एंड ही सेड दैट मेरी एक भी इलम नहीं चली तुसी मैनू दसो कि तुसी की पढ़ रहे आखो सतनाम साध संगत जी वो बीबी भैन जी रो लग पी हे गुरु नानक इतना वड्डा है तेरा मूल मंत्र जो मैं सहजे ही लंघ जाती एक ओंकार सतनाम करता सहजे ही वी डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू मूल मंत्र बिकॉज़ वी जस्ट थिंक इट्स फॉर किड्स यू नो आप सियाने हो गए जी न्याणे एक ओंकार से आफ्टर मी पोते आप नहीं असी जपना न्याणिया ते साडा जोड़ रखो सतनाम आप नहीं असी जपना बिकॉज़ वी फील दैट दिस इज फॉर बिगिनर्स सा संगत जिन जपया तिस को बलहार जिन्हां ने जपया मेरे गुरु कहंदे ने मैं बलहार जावां उन्हां तो जप के तां देखो बीबी ने जिस नितनेम मूल मंत्र दा ओ करदी आई ओ आण के साडे सिंघां दे गारी असीं 5-6 सिंघ बैठे ओहदे नालों नड्डे ते रोण लग के कहन लगी वीर जी जे अज मूल मंत्र ना हुंदा की पता वो मेरा बलत्कार करके ते मेरी लाश किते खाले विच पई हुंदी आखो सतनाम दिस इज हाउ मूल मंत्र सेव्ड माय लाइफ यू नो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग ऑन इंटरनेट एंड जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑन फोन साध संगत जी इट्स 400 इयर्स वी हैड द गुड फॉर्च्यून ऑफ बीइंग विद गुरु तेग बहादुर जी लेट्स पिक अप दिस हैबिट ऑफ स्टार्टिंग मूल मंत्र कुछ तो करिए सुखमनी साहब नहीं हुंदा जपजी साहब जाप साहब नहीं हुंदा मूल मंत्र तो सारे जानते मूल मंत्र तो शुरू करिए आखिरी गल कह के ते समाप्ति बाबा बुढ़ा जी का जिस वेले बाबा बुढ़ा जी इस अबाउट टू पास अवे बाबा बुढ़ा जी की उम्र हुई 125 साल 125 years ते महाराज जी नूं बहुत नड्डी उम्र गुरु नानक देव जी नूं मिले 113 साल गुरु घर की सेवा की आखो सतनाम 113 years बाबा बुढ़ा जी ने गुरसिखी विच निभाई तां करके महाराज जी ना बाबा बुढ़ा जी दे नाम पिछे कहंदे ने सिखी दी हद इज द लिमिट ऑफ सिखी इज वी कान गो एस ओल्ड एस हिम वी कान डू वट बाबा बुढ़ा जी हैज डन साध संगत जी जदों बाबा बुढ़ा जी की अंतम समा आ रहा गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज गोस भाई बिधी चंद भाई गुरदास जी वर्गे गुरसिख सारे चले गए तो गुरसिखा ने बेनती की कि बाबा जी तुसी गुरु घर 113 साल यू डिड दर्शन ऑफ गुरु नानक ऑल द वे टू गुरु हरगोबिंद यू हैव सीन गुरु हर राय जी यू हैव ऑल्सो सीन गुरु तेग बहादुर जी सत गुरु साहिबां दे दर्शन किए ते कहन लगे
सानू ना ये 113 साल का एक निचोड़ दवो। आखो सतनाम, कैन यू जस्ट गिव मी द जिस्ट ऑफ योर 113 ईयर्स। इन्ना समा तुसी सेवा की, थोड़ा निचोड़ कढ़ के दो। निचोड़, इफ यू वर टू समराइज, आ सुनियो, 113 ईयर्स इन टू जस्ट मीयर वर्ड्स, हाउ वुड यू समराइज इट? भी साढ़े पल्ले सिखी पै जे। गुरु रूप खालसा जी, जिस वेले बाबा बुढ़ा जी अगे आ सवाल पाया गया, तो बाबा बुढ़ा जी, नाम जपो, सिमरन करो, सेवा करो, आ सब बहुत जरूरी है, पर कहन लगे सब तो जरूरी ये है कि गुरु मेरी जेरी टेक तुहाडे उत्ते है, ये कदे हिल ना जावे। आखो सतनाम, हे गुरु, मे माय रिलायंस ऑन यू, माय आस, माय सपोर्ट ऑन यू, मे दिस नेवर ब्रेक। देखो गुरु प्यारे, अज राजा बिशन राय जो काम नामुमकिन सी असाम नू जितना विदाउट ब्लड शैड, गुरु तेग बहादुर जी का आसरा लिया, तो महाराज जी के आसरे पिछे अज असाम की नगरी जित हो गई। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जी का प्रकाश दिहाड़ा आप जी सब मना रहे हो। गुरपुरब मनाना ता लाहेवंद है, जे अज इत्थे आप जी एक वादा करके जाओ कि गुरु तेग बहादुर जी अज तो गां मैं मूल मंत्र दे पाठ शुरू करांगी, अज तो गां मैं जपजी साहब दे पाठ शुरू कर, अज तो गां सवेरे 6 बजे बच्चों के स्कूल तो पहला मैं अद्धा घंटा वाहिगुरु करांगा, अज तो गां मैं मास छड़ देना जी, मैं रहत रखनी शुरू करांगा। साध संगत जी, गुरु तेग बहादुर जी ना एक बार जी दी बाँह फड़ लैन, महाराज जी उन्हां दी बाँह नहीं छड़दा, बाहें जिन्हां दी पकड़ी है सिर दी जय, बाहें ना छोड़ी है। ऐसे सतगुरु जी दी याद विच बैठे हैं कि अज ऐसा चंद चढ़िया, प्रकाश होया, जदों रात दे अखीरले पैर दे समाप्ति तो पहला अज सवेरे अमृत वेले मेरे गुरु तेग बहादुर जी ने आगमन धारण किया। गुरसिखी प्रेम दा खेड है साध संगत जी, बिना प्रेम तो यह नहीं जे इस मार्ग ते चलिया जांदा। आओ शब्द विच दो पंक्तियां पढ़ के ते आनंद साहिब नाल समाप्ति करनी है। लेट अस डू अरदास टू गुरु तेग बहादुर जी के सतगुरु कृपा करो, ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई। अज दा संसार जिहड़ा है साध संगत जी, इतना भयानक है, पता नहीं किहो जे काले इलम जंतर मंतर बार चल रहे ने, जो गुरु की शरण विच आवै चित आवै उस पार ब्रह्म लगै ना तत्ती वाह, उसनों तत्ती वाह नहीं लगती। जिहड़ा एक बार मेरे गुरु तेग बहादुर जी की शरण विच आ जाए, कल सवेरे तकरीबन 11:15 तो लै करके 12:15 तक फिर आप जी के दर्शन करांगे, हुम हुमा के आन के इत्थे बैठ के गुरु का इतिहास आपां सुनना है। इट इज इम्पॉसिबल टू फॉल इन लव विद समवन दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट, यू कैन ओनली फॉल इन लव विद समवन दैट यू नो समथिंग अबाउट, एंड एस यू गैट टू नो मोर अबाउट दैम दे स्टार्ट, यू स्टार्ट फीलिंग दिस इमोशन इनसाइड ऑफ यू दैट हाय मेरा गुरु वर्गा प्यारा तक कोई भी नहीं। आओ सारी कृपा करो, गुर प्रसाद सहज का, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़े, सारे गुर प्रसाद।
ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਚਲ ਲਾਗੇ ਚਲ